हेलो फ्रेंड्स, मैं पिया और स्वागत है आपका कुक विद पिया में। आज मेरे किचन में मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली की रसेदार सब्जी। ये दिखने में काफी हद तक फूलगोभी जैसी होती है, लेकिन फूलगोभी से कहीं ज्यादा पौष्टिक होती है। आज मैं ब्रोकली की सब्जी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रोकली लिया है। सबसे पहले हम इसके डंटियों और पत्तियों को काट के हटा देंगे। अब यहाँ पे ये जो फूल जैसा है, इसे हम अलग अलग काट के निकालेंगे। ये जो ब्रोकली के फूल में डंठल है, ये बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, इसलिए इन्हें पकने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैंने इसे बीच में से चार भागों में चीर लिया है, ताकि ये जल्दी से जल्दी पक जाए और मेरा टाइम भी बच जाए। और इसी के साथ मैंने दो तीन मीडियम साइज के आलू को छील के इसे रफली कट कर लिया है। इसे मैंने बड़े साइज में ही रखा है। आप इसे छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, आपको जैसा साइज पसंद हो उस हिसाब से आप आलूओं को काट लें। तो अब यहाँ पे मैंने एक पैन में सरसों का तेल ले लिया है। तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हमने जो ब्रोकली को काट के रखा था उसे डाल लेंगे। इसे मैंने काटने के बाद अच्छे से धो लिया है। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम में दो तीन मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। सरसों के तेल की जगह आप चाहे तो कोई दूसरा कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। यहाँ पे तो तीन चार मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है। बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, इसे बहुत ज्यादा फ्राई ना करें। तो इसे फ्राई करने के बाद इसे निकाल के अलग रख लेंगे। अब उसी पैन में थोड़ा सा और तेल ले लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेजपत्ता। इसके साथ ही मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी यहाँ पे डाल देंगे। अब प्याज को हम यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका कलर हल्का गुलाबी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, दो तीन मिनट तक प्याज को फ्राई करने के बाद इसका कलर हल्का गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें कट किए हुए आलू डाल देंगे। आलूओं को छीलने और काटने के बाद इसे हमेशा पानी में डाल के रखें, जब तक आप इसे यूज ना करें, वरना ये काले पड़ जाते हैं। अब हम आलूओं को हाई टू मीडियम फ्लेम में इसका कलर हल्का गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो आलूओं को तीन चार मिनट तक फ्राई करने के बाद इसका कलर गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच दरदरी कुटे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैंने एक टमाटर को पीस के इसका पेस्ट बना लिया है, उसे भी यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तीन हरी मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए चार से पाँच मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे आलूओं के साथ सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई छोटे चम्मच जीरा पाउडर, आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सूखे मसालों को डालते वक्त फ्लेम को लो कर दे और लो फ्लेम पे ही सारे मसालों को दो मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लें। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजों को एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप पानी। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ढक्कन लगा के तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने लेंगे। तीन चार मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे हमारे आलू जो है वो लगभग 70% कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए ब्रोकली डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ दो बाउल पानी और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधे छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लें और ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में कुक कर लें। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे ब्रोकली और आलू दोनों ही एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब सबसे आखिर में हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे और हमारी ब्रोकली की सब्जी बन के तैयार है। तो यहाँ पे मुझे सब्जी थोड़ी सी ड्राई लग रही है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और इसे बस एक बार मिक्स कर देंगे और चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। आप इस सब्जी को रोटी पूरी पराठा या फिर चावल के साथ खा सकते हैं, तो इसे एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दे और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।